वो साक्षात अवतार पैदा कर रही है राम और कृष्ण की तरह, लेकिन दुनिया की जनसंख्या 7 अरब 71 करोड़ के करीब करीब है और उतने ही भगवान भी हैं, क्योंकि हर एक जीव के अंदर वो वास करता है। तो हम इंसानों के अंदर वो प्राण के रूप में या आत्मा के रूप में स्थित है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का जो ब्रह्म वाक्य है उसका अर्थ यही होता है, मैं ही ब्रह्म हूं। प्रत्येक जीव अपने आप में ब्रह्म है। तो समझने वाली बात यह है, यहां मैंने ये इस चीज का जिक्र इसलिए किया है कि अगर इस धरती पे 7 अरब 71 करोड़ जीवों का प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब मनुष्य के रूप में सिर्फ, तब उतने ही परमात्मा हैं। और चूंकि हम उसके संतति हैं, उसकी पीढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसका गुण होना चाहिए? दैवत्य का। और हमारे अंदर परस्पर जो है किस गुण का विकास होना चाहिए? देवता के गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि कौवे का बच्चा कौवा होता है, सिंह का बच्चा सिंह होता है और सियार का बच्चा सियार होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम परमात्मा साक्षात परमपिता परमेश्वर की संतति हैं, तो हमारे अंदर किस चीज का गुण होना चाहिए? किसका गुण होना चाहिए? उस परमपिता परमेश्वर का। लेकिन अफसोस क्या है, मैं बताता हूं। शायद परमात्मा जब इस धरती पे हर बार नए जीव का प्रादुर्भाव करता होगा, तब उसके दिमाग में यही चलता होगा या वो प्रकृति यही सोचती होगी कि वो एक देवता को इस धरती पर भेज रही है, वो साक्षात अवतार पैदा कर रही है राम और कृष्ण की तरह। लेकिन अफसोस, उसे धोखा होता है और उसे धोखा मिलता है, क्योंकि हम मनुष्य यहां आकर के एक साक्षात और शुद्ध रूप से इंसान भी कहलाने के योग्य नहीं होते हैं, और ना तो मनुष्यत्व के परिभाषा को सही रूप से परिभाषित करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। आप ध्यान देके देखिए, कितनी बार आपने मनुष्यत्व के गुण का सही से परिभाषित होके अपने आप को, अपने बाजार को दिखाया है कि आप एक सही रूप में इंसान हैं। अगर ये सही रूप से आपके ऊपर घटित होती है तब तो ठीक है, अन्यथा इस पे विचार करने की आवश्यकता है। और जो लोग इस परमात्मा के संतति होने का सही रूप में अर्थ और भाव समझ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं परम गति को प्राप्त होते हैं और इस आवागमन के चक्र से मुक्त होते हैं। लेकिन हम कहां, रोटी नमक तेल के चक्कर में लगे हुए हैं, पता नहीं कब तक लगेंगे। प्रिय दर्शकों नमस्कार, और मुद्दे पे आते हैं। बात यह है कि आज का जो विषय है वो है कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में जन्मे जातकों का स्वभाव प्रकृति और स्वभाव कैसा होता है, साथ ही साथ उनका कैसा होता है संपूर्ण जीवन, कुछ इसी विषय पर चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने ऊपर लिखा है माह जन्म फल, जिसमें दो माहों के बारे में चर्चा होगी। पहले मैंने लिखा है सुधनी काम बुद्धिश्च दुरात्मा क्रय विक्रयी पापियान दुष्ट चित्तस्य कार्तिके जायते नरः। अर्थात समझने वाली बात यह है कि जिस जातक का जन्म कार्तिक माह में होता है, कार्तिक माह का मतलब अक्टूबर और नवंबर, अब ये कभी भी हो सकता है, या तो 20 अक्टूबर के करीब हो और 21 नवंबर के करीब हो, इन्हीं दोनों तारीख के बीच में आपका जन्म हो सकता है, या कभी कभी ये बदल भी सकता है। लेकिन मैंने जो बताया ये हिंदी माह से कार्तिक माह में जन्मे जातक का स्वभाव कैसा होता है, आइए समझते हैं संक्षेप में। धनी होता है, धनवान होगा। कार्तिक माह में अगर आपका जन्म हुआ है आप धनी होंगे, मतलब आपको धन की कमी इस जीवन में कम खलेगी, या धन की वजह से आपका काम कई बार नहीं रुकेगा, कोई भी कोई ना किसी न किसी ये न के न प्रकार आपके पास धन आ ही जाएगा। काम बुद्धिश्च, थोड़ी सी काम की अधिकता है, काम की अधिकता मतलब दुर्व्यसन। अब काम की अधिकता होने का मतलब काम, कामानु रक्ति, मतलब काम किस चीज के प्रति है। मैंने बताया था पिछले कार्यक्रम में, पिछले दिनों मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि काम का मतलब सिर्फ वासना नहीं होता है, काम की अनुरक्ति मतलब भौतिक चीजों के प्रति। आप हो सकता है टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी या अन्य कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका संबंध सीधे भौतिकता से है, भौतिक सुख सुविधाओं से है, उसमें अनुरक्ति हो सकती है, या फिर कई बार ये जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो फिर कामोत्तेजना को पैदा करती है। दुरात्मा,
ये सिर्फ श्लोक बोल रहा है मैं नहीं, दुरात्मा होता है, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, और क्रय विक्रयी होता है, उसका जो स्वभाव होता है वो वणिक होता है। वणिक मतलब व्यवसायिक प्रवृत्ति होती है उसकी, व्यवसाय करना अच्छी तरीके से जानता है, क्रय विक्रय करना हर एक चीज में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अनुलोम करता है। अनुलोम विलोम मतलब अनुलोम, या तो कुछ लेगा तब आपको देगा, ऐसे एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ लेना तब कुछ देना, ऐसे कुछ भी ना रखना। पापियान, हो सकता है कभी कभी आप पाप से प्रवृत्त हो जाते हो, या पाप में आपकी आसक्ति ज्यादा हो जाती हो, या फिर कई बार ऐसे कर्म कर लेते होंगे जिसमें पाप की प्रवृत्ति होती है। दुष्ट चित्तश्च, अब यह भी है कि दुष्ट भी होता है, मतलब वो कई बार दुष्ट आत्मा से प्रेरित हो जाता है, उसकी आत्मा जो है कह सकते हैं कि वो दुष्ट आत्मा हो जाती है। मतलब अब मैं यहां पे क्या कहूं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं दुर्गुणों का संचार हो जाता है। जो एक साधारण रूप से अगर कहें तो सद्गुण होता है और दुर्गुण होता है, तो दुर्गुण चीजों का उसके अंदर कई बार फलन हो जाता है, या फैलाव हो जाता है, या क्रमशः बढ़ जाता है। तो ऐसे जातक जो कार्तिक माह में जन्मे होते हैं वो धनी होते हैं, साथ ही साथ काम की अधिकता होती है, दुरात्मा होते हैं। आत्मा दुरात्मा मतलब हो जाता है कि कई बार उनका उनकी जो आत्मा होती है वो सच्चरित्र ना हो करके दुष्चरित्र से प्रेरित हो जाती है, और क्रय विक्रयी होते हैं, वणिक स्वभाव के हो जाते हैं, और साथ ही साथ पापी प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। पापी यान का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पाप से प्रवृत्त होते हैं, इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है, क्योंकि ये जिस समय लिखा गया था उस समय के हिसाब से इसकी परिभाषा पापी हो सकती थी, लेकिन अभी चूंकि हम कलयुगी परंपरा में रह रहे हैं इस हिसाब से देखें तो अब उसकी परिभाषा बदल सकती है, या आज के परिवेश के हिसाब से जिस पापी को यहां बताया गया है वो पापी यहां नहीं होगा, क्योंकि अब स्थिति बदल गई है, और ज्योतिष शास्त्र जो है वो देश काल और पात्र का बोध कराती है, परिस्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव हो जाता है। अब प्रिय दर्शकों, मैंने बताया कार्तिक माह में जन्मे जातकों का स्वभाव, अब प्रिय दर्शकों बात करते हैं कि मार्गशीर्ष माह में जन्मे जो जातक होते हैं उनका चरित्र स्वभाव और प्रकृति कैसा होता है। प्रिय दर्शकों, यहां मैंने लिखा है मृदुभाषी, धनी धर्मी, बहुमित्र, पराक्रमी, अर्थात अगर आपका जन्म मार्गशीर्ष माह में हुआ है, जिसको कि अगहन भी कहा जाता है, और ये प्रायः नवंबर से लेकर दिसंबर तक का होता है, अगर इस माह में आपका जन्म हुआ है, आप मृदुभाषी हैं, मतलब कोमल वाणी को बोलने वाले हैं, अपनी वाणी से किसी को तकलीफ नहीं देंगे, और या अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, साथ ही साथ धनी हैं, धन की कमी नहीं होती है, इनहेरिटेंस आपको जो बोला जा सकता है कि आपके पूर्वजों के द्वारा समस्त धन आपको मिले हुए हैं, या फिर स्व उपार्जित धन की आपके पास उपलब्धता होती है, अपने से ही धन अर्जन करना जानते हैं। धर्मी होते हैं, धर्म में अनुरक्ति होती है, आस्था रखते हैं और धर्म पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। बहुमित्र, मित्र रखने को आपको अच्छे तरीके से आता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि मित्र कैसे बनाया जाता है, उसका लाभ कैसे लिया जाता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। पराक्रमी हैं आप, मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं तो पराक्रम आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, या आलस्य कम बार आपको प्रभावित करता है। परोपकारी, अब सारे सद्गुण ही इनमें हैं, परोपकार की भावना एक मनुष्य के अंदर होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, और जिसके अंदर परोपकार है उसको किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती है, ना तो तीर्थ जाना है, ना व्रत करना है, ना उपवास करनी है, और ना ही किसी मंदिर में जाना है। अगर परोपकार की भावना आपके अंदर हमेशा क्रमशः संचालित होती रहती है तो मार्गशीर्ष माह में जन्मे जातकों का स्वभाव एक बार फिर से बता देता हूं, मृदुभाषी, धनी होते हैं, धर्म में युक्ति होती है, धर्म से आचरण करने वाले होते हैं, बहुत मित्रों के रखने वाले होते हैं, साथ ही साथ पराक्रमी होते हैं और परोपकारी भी होते हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम में हमने प्रिय दर्शकों जाना कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में जन्मे जातकों का स्वभाव, चरित्र और उनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय उनके जीवन के बारे में प्राप्त किया। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल के लिए हमारे लिए समय थोड़ा निकाल लीजिएगा
और इंतज़ार करिएगा हमारे कार्यक्रम का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आशा है आप इन दोनों माहों में आपके सन्निकट जो भी लोग कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं उनके ऊपर ये चीज़ घटित करके देखिए, क्योंकि माह जो हैं वो हमें बहुत नज़दीक से प्रभावित करते हैं और ये कहीं ना कहीं देवताओं के प्रतिनिधि हैं, देवताओं के वासित हैं और देवता इनमें वास करते हैं जिनका प्रभाव हम मनुष्य के ऊपर पड़ता है। आज के कार्यक्रम का समापन कुछ इसी तरह से करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।